हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को ऑक्सीजन दें। हमारी पहली प्राथमिकता हरियाणा है। कल हमारा टैंकर फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए दिल्ली से जा रहा था, जिसके दौरान दिल्ली सरकार ने हमारा टैंकर लूट लिया। आगे अनिल विज ने कहा कि मैंने आदेश जारी किए हैं कि जो टैंकर जाएगा वो पुलिस बल के साथ जाएगा। वहीं अनिल विज ने बताया कि बहुत से लोग कोरोना के लक्षण होने पर भी जाँच न कराकर इधर उधर से दवाइयाँ लेकर खा रहे थे, इससे संक्रमण फैल रहा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किए कि जिसमें भी कोरोना के लक्षण हैं और अगर वो किसी निजी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इलाज से पहले उसका कोरोना टेस्ट करवाए। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये बड़ा बयान यहां पर सामने दिया है। ऑक्सीजन टैंकर लूटने का आरोप उन्होंने दिल्ली पर लगाया है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से उनका एक ऑक्सीजन का टैंकर आ रहा था जो कि दिल्ली में लूट लिया गया। तो अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता हरियाणा है और हरियाणा में किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की पूर्ति करना उनका लक्ष्य है। तो लगातार देश भर में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और इसी के चलते तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। और कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो, लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना ये बहुत निंदनीय बात है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल जैन माफ़ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन टैंकर लूटने का आरोप दिल्ली सरकार पर लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उनके टैंकर दिल्ली से होते हुए जा रहे थे जिसे दिल्ली सरकार ने लूट लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बेहद गलत तरीका है और अगर इस तरीके से सरकार व्यवस्थाएँ करने लगी तो आफादाफी का माहौल यहाँ पर बन जाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, उसी के चलते अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन की कमी की खबरें निकल कर भी सामने आ रही हैं और उसी बीच अनिल विज ने ये बयान दिया है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर टैंकर लूटने का आरोप लगाया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।